ये सारे क्रीमी है सर। अगर क्यूलेक्स मच्छर नहीं काट दी तो आपके अंदर कौन चला गया? क्रीमी आक्रमण कर देगा सर, किसी एक पैर में घुस जाएगा तो आपका कोई इलाज नहीं होने वाला है, मलेरिया हो गया। इसका एक दवाई है फाइलम प्लेंटी हेलमेंथीज। कौन सा? प्लेंटी हेलमेंथीज। क्या कहेंगे? प्लेंटी हेलमेंथीज। समझना क्या है? देखिए इसे वर्म भी कहते हैं, क्रीमी। हेलमेंथीज को क्या कहेंगे? क्रीमी। क्या कहेंगे? क्रीमी। जैसे ये चपटा क्रीमी है, इसे थोड़ा सा चपटा है यहाँ पर, ये फ्लैट वर्म है, ये सारे क्रीमी है सर। इतने बड़े होते हैं ऐसे कि दिखवे नहीं करेगा सही सर। प्लेंटी हेलमेंथीज वाला सब एकदम छोटा छोटा होता है, दिखवे नहीं करता है सब। साइज में क्या रहता है? छोटा, दिखता नहीं है सब। अच्छा, जितना छोटा चीज रहेगा उसका निर्माण करने में टाइम कम लगेगा, टाइम कम ही ना लगेगा। अब आप ही बताइए, लीची बनने में टाइम कम लगेगा, कोहरा बनने में टाइम ज्यादा, तो इन ससुरों के बनने में भी टाइम कम लगता है। तो अगर ये हमारे शरीर में चले जाते हैं सब, इतने कमीने हैं सब, ये सब ये जब शरीर में जाएंगे सब ना, तो कोई नुकसाने नहीं पहुंचाएगा सब, तब तक जब तक कि, तब तक जब तक कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। जब पूरी संख्या बढ़ जाती है तब अचानक से उधर से वो उसमें से उठेगा कटप्पा, बोलेगा प्रतिघात आक्रमण आक्रमण कर देगा सब। इसी क्रीमी अर्थात हेलमेंथीज जब हमारे शरीर में अटैक करता है तो ज्यादातर ये अटैक करना चाहता है पैरों पर। किसमें अटैक करता है? पैरों पर। अब किसी एक पैर में घुस जाएगा और धीरे 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 8 से 10 साल तक अपना खानदान बढ़ाएगा। सोचिए कितना लंबा टारगेट लेके चल रहा है, 8 से 10 साल तक अपना टारगेट बनाएगा, और उसके बाद जब उसका खानदान बढ़ जाएगा तब आपका कोई इलाज नहीं होने वाला है। कब आप कहेंगे फाइलेरिया हो गया है। क्या हो गया है? फाइलेरिया हो गया है। समझ में आया? उस फाइलेरिया किसके कारण होता है? क्रीमी के कारण, हेलमेंथीज या क्रीमी के कारण। क्रीमी आकार में बड़ा या छोटा? और ये क्रीमी दूसरी जगह पे पाए जाएंगे, और वहां पर इस क्रीमी को उठा के लेके चली जाती है क्यूलेक्स मच्छरनी। कौन ले जाती है? अगर क्यूलेक्स मच्छरनी काट दी तो आपके अंदर कौन चला गया? क्रीमी। फाइलम के हिसाब से हेलमेंथीज। जिस दवाओं के लास्ट में जोल लगा होता है उसमें ज्यादातर वो हेलमेंथीज के लिए होता है। एमेंडा जोल बड़ी फेमस है, इसका एक दवाई है, कीड़ी उड़ी के लिए आता है एमेंडा जोल। तो ये क्रीमी के लिए, कल बीमारिया वाला दवाइया का बताया था ना, अपने से मत खा लेना तुम लोग, कोई दवाई अपने से नहीं खा जाती, गवर्नमेंट तो एमेंडा जोल खुद खिलाती है उसको। देखिएगा ना, गांव गांव में ना प्रोग्राम चलता है, एमेंडा जोल खिला देते हैं स्कूल वगैरह में ना, हाँ खिला देता है। उससे फायदा ये है, तो लोग को लगता है कीड़ी नहीं है, क्या दिक्कत है? अरे शरीर में कहीं बैठा होगा कौन? हेलमेंथीज। बड़ा उटपटांग होता है ये हेलमेंथीज, नाश देगा या कैसा। फिर बीमारी अगर हो गया तो अब कहाँ अब ठीक होने वाला है? अगर फाइलेरिया हो गया तो अब तो नहीं ठीक होने वाला है उसको। हाथी पाव या शिलापद कहते हैं, पैरवे क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। फिर ना आपको लोग नाम से नहीं जानेंगे, आपको उसी बीमारिया के नाम से कहो गोड़ फूला के लगे जाओ। प्राइमरी स्कूल में खिलाया जाता है एमेंडा जोल, हाँ बहुत जरूरी है, वो सब खा के रहना। दवाई वगैरह जो खिलाया जाए सरकार के द्वारा कार्यक्रम में, तो उस सब चीज़ों को जरूर करते रहना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़े तो हेलमेंथीज और प्लेंटी हेलमेंथीज दोनों में कौन आएगा? हेलमेंथीज और प्लेंटी हेलमेंथीज दोनों में बताओ बाबू। फाइलेरिया किसके कारण? क्रीमी। गोली मारिए प्लेंटी हेलमेंथीज की स्पेलमेंथीज। सीधा क्या बोलना है? क्रीमी। सीधे क्या बोलना है? क्रीमी बोल देना है। क्या बोल देना है? क्रीमी बोलना है। समझ में आ रहा है?